नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि जो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम के लिए पैदल यात्रा का शुभारम्भ 21 नवंबर को कर दिया गया है, उसी के सानिध्य में आज ये तीसरा दिन है जिसका तीसरा पड़ाव नौगांव पर पहुँचा है। और जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से पीछे देख भी सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में जो हिंदू सनातन पद यात्रा का शुभारम्भ किया गया उसमें एकत्रित हुए। तो चलिए, जो कुछ भैया लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है, जो बालाजी के भक्त उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं तो उनका इसके बारे में क्या कहना है। तो भैया, हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। अमन मंदिवार जी, आप कहाँ से? हम लोग मंडला से एमपी मंडला जिला से हैं। तो आप जो ये रैली निकाली जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, जात पात को बंद करो, हम सब हिंदू भाई भाई। अच्छा, तो जो ये रैली निकाली जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है, हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र। जो महाराज जी ने एक और बात कही थी कि जात पात को मिटाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके अलावा गौ माता को भी राष्ट्र माता बनाना है, उसके बारे में आप? गौ माता की तो राष्ट्र माता बनाना, गौ माता को भी राष्ट्र माता बनाना है। जैसा कि दोस्तों भैया ने बताया कि जो ये रैली है उसका उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और भारत से जात पात को मिटाना। तो चलिए, जो और श्रद्धालु लोग आ रहे हैं हम उनसे भी यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या रहा। तो चलिए, हम माता जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी, हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। सुशीला भदौरिया जी, आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से। इंदौर से आए, तो जो ये सनातन धर्म की यात्रा निकाली जा रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो यात्रा निकाली जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जाति पाति का भेदभाव मिटे, हमारे यहाँ से हिंदू हिंदू एक होकर के रहें। जी, यही उद्देश्य है हमारा। जैसा कि दोस्तों अभी मैया ने बताया कि जो ये रैली निकाली जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत वर्ष से जात पात को मिटाना है। इसके साथ ही चलिए, जो और कुछ लोग आ रहे हैं हम उनसे भी यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। तो चलिए, हम भैया जी से जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी, हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिओम रैकवार है। जी, आप कहाँ से आए हैं? बागेश्वर धाम। तो जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं आपसे, वो जानना चाहेंगे कि जो यात्रा का शुभारम्भ किया गया है उसमें व्यवस्था किस प्रकार से की गई? व्यवस्था सब बढ़िया है, खाना पीना से लेकर पानी से लेकर नहाना धोना सोना बैठना छह गुरु जी की तरफ से है। और जो ये यात्रा निकाली जा रही है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारे हिंदू भाई जो पिछड़े हुए हैं, हिंदू एकता करें, जो हमारी माता बहनें बाहर निकलती थी उनको छेड़छाड़ी होती थी, इसलिए सब लोग मिलकर रहें और जात पात छोड़ें, हिंदू धर्म में एक साथ रहें। और जैसा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर रैली में जा रहे हैं तो उनके लिए सुरक्षा की कैसी क्या व्यवस्था है? पूरी पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, सरकार ने पूरी सुरक्षा दे रखी है, माताएं बहनें बेसट जा सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने बना रखी है। अच्छा, और सारी व्यवस्था पुलिस व्यवस्था के साथ चल रही है। जी बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कि अभी भैया ने बताया कि जो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम के लिए सनातन पद यात्रा का शुभारम्भ 21 नवंबर से 29 नवंबर तक के लिए किया गया है, उसी के सानिध्य में आज तीसरा पड़ाव है और तीसरे पड़ाव में जो कि यात्रा है नौगांव तक पहुंची है और आज का जो रात्रि का विश्राम भी है वो शायद नौगांव में भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि जो ये यात्रा निकाली जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य जो भक्तगण बता रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है और भारत से जात पात को मिटाना है। इसी के साथ दोस्तों चलिए, हम आगे भी चलते हैं, आपको आगे भी बताएंगे कि जैसा कि आपकी जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। तो चलिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस रैली के बारे में क्या कहना है, क्या वो अपने इस के बारे में राय रखेंगे। तो चलिए, हम दादाजी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी, हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है सोनी, अशोकनगर जिला से आए हैं। अशोकनगर जिला से आए, तो आप रैली में कितने दिन पहले आ गए थे? 3 दिन पहले आ गए थे। अच्छा, 3 दिन पहले। तो आप जो बागेश्वर धाम से रैली निकाली जा रही है उसमें ओरछा धाम तक ही जाएंगे? हाँ। तो आपका रैली के बारे में क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र बनना। अच्छा, भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हाँ। बिल्कुल क्लियर है, जो महाराज जी ने तय किया वो क्लियर है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम। जैसा कि दोस्तों अभी अंकल जी ने बताया कि उनका भी एक ही मत है और जो यात्रा का जो कि मुख्य उद्देश्य है, जो कि पहल 2013 में की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो बनाकर ही रहना। तो दोस्तों, ये तो था जो हमारी पैदल यात्रा का शुभारंभ किया गया उसका फ्रंट। चलिए, हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं और आपको और दर्शकों से मिलकर बताते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है।